गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एम्पेयर सर्किटल लॉ. ओके स्टूडेंट्स, आज हम एम्पेयर सर्किटल लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि एम्पेयर सर्किटल लॉ से क्या निकाला जाता है. ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस से पहले पढ़ा कि बायोट सेबर्ट लॉ क्या होता है और उसकी हमने एप्लीकेशन की. ठीक है, बायोट सेबर्ट लॉ ने मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक फॉर्मूला बताया. ठीक है, और जो उसकी वैल्यू होती है डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो हमने वैल्यू निकाली वो उसकी डिफरेंशियल फॉर्म थी. ठीक है, यहां पर बायोट सेबर्ट के बाद एक साइंटिस्ट और आए, उनका नाम था एम्पियर्स. ठीक है, एम्पियर्स ने बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होगा, ठीक है, किसी करंट कैरिंग जो आपका लूप है या कोई भी करंट कैरिंग आपका कंडक्टर है उसके चारों तरफ जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो म्यू नॉट टाइम्स होता है करंट आई के. ठीक है, लाइन इंटीग्रल का मतलब हुआ इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल. जैसे हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल होता है वहां पर हमने पढ़ा ई डॉट डी एस, यानी कि अगर डी एस लग जाए तो उसको बोलते हैं हम सरफेस इंटीग्रल और अगर बी डॉट डी एल लग जाए तो उसको हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल. ठीक है, तो अब हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है. ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the line integral of a magnetic field around the loop is mu naught times of current I. ठीक है, यानी कि अगर हम कोई क्लोज लूप है, ठीक है, तो लूप की जगह हम इसको क्लोज लूप भी ले सकते हैं. ठीक है, कोई क्लोज लूप है आपका और उसमें लाइन इंटीग्रल है बी डॉट डी एल. ठीक है, तो उन्होंने बताया था जो लाइन इंटीग्रल होगा बी डॉट डी एल का, यानी कि लाइन इंटीग्रल का मतलब ये हुआ क्लोज, अगर हम लूप ले रहे हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल. ये होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट आई के. ठीक है, तो ये एम्पेयर का कहना था. ठीक है, कि लाइन इंटीग्रल जो होगा वो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट होगा आई के. ठीक है, अब हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि इसकी एप्लीकेशन हम कैसे इसको एप्लीकेबल करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर. कोई हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ का लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है और उसकी हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है कि उसके चारों तरफ कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. ठीक है, तो सपोज दैट हमारे पास कोई लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है इस तरह से. ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ है इसकी, हमें पता नहीं है, और इसमें करंट फ्लो हो रही है आई. लॉन्ग स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, यहां पर लिख देते हैं एक लाइन और, कैरिंग करंट. इसमें करंट फ्लो हो रही है मतलब. ठीक है, और इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है कि कितनी होगी. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा
इसके चारों तरफ एक क्लोज लूप लेना पड़ेगा। जब तक हम क्लोज लूप ले लेंगे तब तक एम्पियर्स जो लॉ होगा वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो इसके चारों तरफ हम एक लूप ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से ये लूप हो गया क्लोज लूप। तो इसका जो लाइन इंटीग्रल होगा यानी कि बी डॉट डी एल होगा जो, तो इसकी हम रेडियस ले लेते हैं, ये सपोज दैट इसकी रेडियस आर, ठीक है, और इसमें हम एक एलिमेंट ले लेते हैं करंट एलिमेंट डी एल, ठीक है। तो इनका कहना था, एम्पियर सर का कहना था कि जो बी डॉट डी एल होगा वो म्यू नॉट टाइम्स होगा करंट आई के, ठीक है। तो यहां पर हम अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ, अप्लाई करेंगे तो ये होता है इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट आई, ठीक है, इसके बराबर ये होता है, ठीक है। तो बी तो हमारा फिक्स है, इसके चारों तरफ हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो बी हमारा फिक्स है, इसको हम ले लेते हैं बाहर इंटीग्रल से, और इंटीग्रल ऑफ डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट आई, ठीक है। आप इंटीग्रल ऑफ डी एल यानी कि जब हम इसको इंटीग्रल करेंगे पूरा, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे डी एल को, तो जो पूरा इंटीग्रेट करके बनेगा डी एल वो एल के बराबर होगा, और एल जो होता है सर्कल का सर्कमफेरेंस के बराबर होता है यानी कि 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो b इक्वल टू आ गया हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती प्रोड्यूस होती है किसी भी करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के, ठीक है। तो इस तरह से हम यहां पर एम्पियर्स लॉ को यूज कर सकते हैं। यहां पर कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो करंट कैरिंग जैसे कंडक्टर है, यहां पर सपोज दैट हमारे पास यहां पर कंडक्टर है, ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। तो इसके चारों तरफ हमें एक लूप लेना होगा, और लूप किसी भी शेप का हो सकता है, या तो आपका सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, ठीक है, उस हिसाब से हम इसको लूप ले सकते हैं। जैसे हमने गॉस थ्योरम में वहां पर एक सरफेस लिया था, गॉसियन सरफेस, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तभी पास आउट होगा जब सरफेस होगा हमारा, ठीक है। तो सिमिलर यहां पर भी ऐसा ही कुछ है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसके जगह है लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल तभी निकल सकता है जब हम इसके चारों तरफ एक कोई लूप कंसिडर करें, ठीक है। तो ऐसे हम लूप कंसिडर करेंगे, और लूप कंसिडर करके हम यहां पर एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे, और यहां से हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, तो बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।